आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब दुर्योधन ने अपनी ही सेना के सैनिकों की योग्यता की जानकारी ली, तो जिस समय दुर्योधन अपने सैनिकों के योग्यता की जानकारी ले रहा था, उसी समय वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर के कुछ गुप्तचर भी खड़े हुए थे। उन गुप्तचरों ने उस सभा की समस्त कार्यवाही को देखा, बातें सुनी और आकर के महाराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कह दिया। तब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु, दुर्योधन स्वयं की सेना की जानकारी एकत्रित कर रहा है कि कौन योद्धा किस प्रकार की योग्यता धारण किए हुए हैं और वह कितने दिनों तक युद्ध कर सकता है और प्रतिदिन कितने योद्धाओं का वध कर सकता है। यह समस्त जानकारी दुर्योधन अपने सैनिकों से ले रहा है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पांडवी सेना के समस्त वीरों को एकत्रित करके एक विशाल सभा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सभी उपस्थित सभासदों के सामने कहने लगे कि बंधुओं, अब युद्ध निश्चित हो गया है और महाराज युधिष्ठिर यह जानना चाहते हैं कि हमारे जो योद्धागण हैं वो कौन कौन योद्धा कैसी योग्यता धारण किए हुए है, वह कितने दिन तक युद्ध कर सकता है और प्रतिदिन कितने वीरों का वध कर सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आगे कहते हैं कि यदि हमें यह जानकारी विधिवत प्राप्त हो जाती है तो आगे हमें किस प्रकार से युद्ध करना है, उसकी समुचित रणनीति बनाने में हमें बड़ी ही सहूलियत होगी। तब भीमसेन गरजते हुए कहने लगा कि केशव सुनो, आप अधिक चिंता ना करें, मैं अकेला ही संपूर्ण कौरवी सेना को 10 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। सब लोगों को भीमसेन की बातें सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ। करतल ध्वनि करके सबने भीम का उत्साह वर्धन किया। उसी समय एक बड़ी भयंकर आवाज हुई। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और उस गांडीव की टंकार ध्वनि से तीनों लोग गुंजायमान हो गए। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, आप चिंता ना करें, आपकी कृपा, माता कुंती के आशीर्वाद और बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के कृपा प्रसाद के कारण तथा भगवान शंकर जी ने मुझे जो महान पाशुपात अस्त्र दिया है, अन्य देवी देवताओं से मुझे जो नाना प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है, उन शक्तियों का प्रयोग करने के कारण मैं संपूर्ण कौरवी सेना को एक क्षण में नष्ट कर सकता हूँ। उसी समय घटोत्कच का पुत्र वरवरीक हाथ में गदा लेकर के खड़ा हो गया और महान गर्जना करते हुए कहने लगा कि यद्यपि आप सभी मेरे पूज्य हैं, परंतु मैं स्वयं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, इसलिए यह सब बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आपने अभी तक जो मेरे सामने ये सब अभिमान युक्त वचन कहे हैं, उनको सुनकर के मुझे हंसी आती है। अरे, आपको पता नहीं है कि आपकी पांडवी सेना में मैं वरवरीक ऐसा महान योद्धा हूँ जिसके पास में कामाख्या देवी के द्वारा दी गई एक महान शक्ति है।
उस शक्ति के प्रभाव से मैं संपूर्ण त्रिलोकी को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता हूँ। इसलिए मेरे सामने कोई वीर रोषपूर्ण वचन ना कहे तो ही अच्छा रहेगा। आप मुझे ज़रा बताइए तो सही, कौरवी सेना में ऐसा कौन वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके? जिस समय मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा, इस सारी की सारी कौरवी सेना या तो मुझे देख कर के भाग खड़ी होगी, अन्यथा मेरी शक्ति के प्रहार से पलक झपकते में ही सारी कौरवी सेना नाश को प्राप्त हो जाएगी। बर्बरीक के ऐसा कहते ही वहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उस सुदर्शन चक्र ने बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया, यह क्या हुआ? अरे कृष्ण, तुमने ये क्या कर दिया? धर्मराज युधिष्ठिर सबको शांत करते हुए कहने लगे कि निश्चय ही कृष्ण जो भी करते हैं जगत के कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हे आनंदकन, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने बर्बरीक का वध क्यों किया? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मंद मंद मुस्काते हुए कहने लगे कि सुनो धर्मराज, इस बर्बरीक को पहले एक नाग कन्या ने श्राप दिया था कि हे बर्बरीक, जिस समय तुम अहंकार युक्त वचन बोलोगे उसी समय जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र तुम्हारा शीश काट देगा। उस नाग कन्या के वचन को प्रमाण करने के लिए यानी सत्य करने के लिए सुदर्शन चक्र स्वतः यहाँ प्रकट हुआ और मेरे ना चाहने के पश्चात भी मुझे सुदर्शन चक्र को आज्ञा देने पड़ी कि तुम बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दो। तो बंधुओं, यह वही कारण था जिसके लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने बर्बरीक का सर सुदर्शन चक्र से काट दिया था। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।